दरगाह थाना पुलिस ने मादक पदार्थ पीने और रखने वाले एक नशेड़ी को गिरफ्तार किया है। दरगाह थाने के सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि दरगाह क्षेत्र में मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त और नशे की लत की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान शीशा खान पीर रोड निवासी मती उल खान को 13 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया। दरगाह थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री कुमार राजदीप जी, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर मुख्यालय श्री नारायण टोंगड़ा जी, श्रीमान पुलिस अधीक्षक पुलिस उप अधीक्षक श्री सुरेंद्र सिंह वृत्ताधिकारी दरगाह के निर्देशन में दरगाह क्षेत्र में मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त व नशे पीने वालों की वारदात पर लगाम लगाने के लिए दरगाह थाना श्री हेमराज पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी के नेतृत्व में मैंने कल दिनांक 1 नवंबर 2019 को सायंकाल कार्यवाही करते हुए गश्त के दौरान श्री मतीउल खान पुत्र श्री हसीउद्दीन खान उम्र 27 साल अजमेर को स्मैक का नशा कर किए जाने पर उसके कब्जे से करीब 0.13 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। मामला दर्ज होके प्रकरण अनुसंधान इसमें जारी है। कहां से कहां ले जाना बता रहा था कुछ? ये अभी अनुसंधान में चल रहा है। इसकी कीमत कितनी होगी, स्मैक की 13 ग्राम के अंदाजा? कीमत का पता नहीं, 0.13 ग्राम स्मैक। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।